हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ क्यूट वियर्ड बट यूज़फुल थिंग्स, जो थोड़ी से वियर्ड हैं, बहुत अच्छी क्यूटनेस है उनमें और बहुत यूज़फुल भी हैं वो। और ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इसको आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो काफ़ी आपके यूज़ के लिए भी होंगे। और आप, मैं इनका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाकर के इन्हें बाय भी कर सकते हैं। सबके लिंक्स देना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि काफ़ी टाइम से है मेरे पास ये प्रोडक्ट्स, बट जिनके भी लिंक्स मुझे मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी, आप देख लेना। और चलिए अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जो मैं पहली चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ वो कुछ इस सूटकेस टाइप का है। देखते हैं कितना छोटू सा सूटकेस है। ये एक्चुअली मेडिसिन बॉक्स है जिसमें आप अगर कहीं वीकली या मंथली आप जा रहे हैं और आप डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिंस लेते हैं या मल्टीविटामिंस लेते हैं या फिर और भी जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, लाइक आपका माउथ फ्रेशनर हो गया या आपके ईयरिंग्स हो गए, मतलब ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। और सीरियस कितना क्यूट है ना, छोटू सा सूटकेस लगता है। और ये कुछ इस तरीके से ये इतने पोर्शन में खुलता है एंड यहाँ से आप एक एक करके इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर अगर आपको कोई और भी बड़ी सी कोई चीज़ रखनी हो तो आप वो यहाँ पर रख सकते हो, फिर ये क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको पूरे पोर्शंस मिल जाते हैं जिनमें आप कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। और ये बहुत ही हैंडी और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आप इस पर रखना चाहते हैं। तो ये तो था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। नाउ गाइस, सेकेंड चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो कुछ वियर्ड है। एक्चुअली मेरी हैबिट है बहुत सारे बैग्स या फिर कोई भी बॉटल्स, अगर वो मुझे क्यूट लगती हैं या फिर मेरे यूज़फुल के लिए होती हैं तो मैं उन सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। ये अमूल की मैंगो जूस की बॉटल है और ये मैंने सारा फिनिश कर दिया बट मैंने इसे फेंका नहीं। मुझे बॉटल इतनी ज़्यादा क्यूट लगी ना, और इस बॉटल में हम ईज़िली अगर आपका पानी इस पर छूट थोड़ी से, अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो आप वो रख सकते हैं या फिर आपको ऑयल रखना हो इसमें या कोई भी लिक्विड वाली चीज़ें हो आप वो रख सकते हैं या फिर आप इसमें अपना कोई भी ज्वेलरी भी रख सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी अच्छी है, सॉलिड है तो आपकी वो ख़राब नहीं होगी। तो आप इसे DIY करके इसे डिफरेंट यूजेस पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा क्यूट है और इसलिए मेरे पास है। और अगर आपकी भी ऐसी कोई वियर्ड हैबिट्स हैं लाइक ऐसे चीज़ों को इकट्ठा करना, लाइक ये देखिए गाइस, ये पॉली बैग है और ये नॉर्मली हमें कभी किसी सामान में मिलता है या ऐसे मिलता है तो मैं इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेती हूँ। एक्चुअली ना ये बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि ये देखिए इस तरीके से बंद हो जाती है। आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हो या आपको इसमें कोई भी सामान रखना है, आपकी बहुत सारी ज्वेलरी है तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट पाउच में रख सकते हो, आपको अलग से पाउच खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी बहुत ही पुरानी हैबिट है जो कि थोड़ी सी वियर्ड भी है कुछ लोगों के लिए। एक्चुअली गाइस ये देखिए टिकटॉक, व्हाट इज टिक टैक, इसके एक्चुअली मुझे फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं आया बट मुझे इसकी बॉटल पसंद आ गई और इसलिए मैंने इसे रख लिया। ये मैंने इसलिए रखा है मुझे ना सॉफ्ट खानी बहुत पसंद है, तो कभी हम मैं बाहर जाऊँ तो अपना इस पर रख लिया और थोड़ी सी सॉफ्ट खा ली इस तरीके से, डबल मिंट इस टाइप के। तो ये सारी मेरी थोड़ी सी वियर्ड हैबिट्स हैं बट मुझे लगता है काफ़ी काम की हैं। और अगर आपकी भी ये वियर्ड हैबिट है तो मुझे बताना, और अगर नहीं है तो आज से डाल लीजिए क्योंकि वियर्ड है बट रियली बहुत यूज़फुल है और आपके भी बहुत काम आएगी। सो अब मैं आपको यहाँ पर अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो जो थी मेरी उसमें मैं ऑलरेडी इसे दिखा चुकी हूँ। काफ़ी हैंडी है, काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी प्यारा भी है। और एक्चुअली ये है क्या, इसके अंदर आपको अपना फ़ोन रखना होता है। यहाँ से ये इस तरीके से आप ओपन करेंगे इस तरीके से, तो ये ऐसे यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप फ़ोन डाल दीजिए और इसके अंदर पानी नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो अगर आप कहीं कहीं वाटर वाली ऐसी कहीं जगह में जा रहे हैं, सी वगैरह में जा रहे हैं और आपको सेल्फी लेनी हो, फोटोज़ क्लिक करनी हो तो आप इजीली कर सकते हो, वाटर भी नहीं जाएगा और आपका फ़ोन भी आपके पास रहेगा। और इसमें आपको ऐसे टक करने के लिए आपको इस तरीके से बेल्ट दी है जिसे आप अपने गले में डाल के एंड फ़ोन आपके यहाँ पर लटकेगा, ठीक है। नाउ गाइज, मैं आपको और भी मेरे पास थोड़ी सी क्यूट चीज़ें, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस।
इसके अंदर क्या हो सकता है, इतना छोटू सा क्यूट सा ये पाउच है, कितना प्यारा है। और इस पे लिखा हुआ क्या है, हैशटैग ग्लैमरसली ग्रीन। यस गाइस, जस्ट हब का है। और इसके अंदर जो भी चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिन लोगों को मेकअप ज़्यादा पसंद है उनके लिए तो ये बेस्ट है, और जो लोग न्यू मेकअप्स को ट्राई करना चाहते हैं, न्यू लिपस्टिक्स को ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है, इसमें कोई भी आपको केमिकल्स नहीं मिलेंगे। और इसके अंदर जो मैं निकालने वाली हूँ वो एक तरीके से जादू निकलने वाला है इसके अंदर से, सिम सिम खुल जा, और ये खुलता है और इसके अंदर से निकलती हैं बहुत सारी हमारी लिपस्टिक्स। यस गाइस, इसमें बहुत सारी शेड्स मिल जाएंगे आपको, सी कितने सारे शेड्स हैं इसमें। और ये गाइस कितनी छोटू सी है, मैं आपको दिखाती हूँ, सी कितनी ज़्यादा छोटू सी है, सिर्फ इतनी सी है। एक्चुअली एक सैम्पल है, अगर आपको इनमें से कोई, आप ये पूरा सैम्पल ले लीजिए जो कि आपको इस क्यूट से बॉक्स में रिसीव होगा, ये आप सैम्पल ले लीजिए और फिर इसमें से आपको जो भी शेड पसंद आता है आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। जो मैंने एक्चुअली पहले वीडियो में या दो तीन वीडियो में शेड्स लगाए थे वो इन्हीं से लगाए थे, और काफ़ी प्रिटी शेड्स हैं और आपके लिप्स में यू नो क्रीमी हैं बट मैट हैं, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं लगेंगे, लाइक जो चंकी टाइप्स होते हैं ऐसा कुछ नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छे हैं। और मैं आपको इसके शेड्स भी, अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको इसके डिफरेंट शेड्स भी दिखा दूँगी। और इसमें आप देखिए इस टाइप से अलग अलग से इसमें नंबर दिए होते हैं, और काफ़ी सारे शेड्स हैं, काफ़ी प्रिटी हैं और कितने ज़्यादा क्यूट है गाइस, है ना। फिर से मैंने क्यूट वर्ड यूज़ किया, क्या करूँ, चीज़ें इतनी अच्छी है, है इतना क्यूट। ये भी गिफ्ट में मिला था मुझे, एक्चुअली मेरे एक भाई ने मुझे ये गिफ्ट किया था, और अगर मैं इसका लिंक मुझे मिला तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जा कर के परचेज़ कर सकते हो। बट कुछ भी बोलूँ यार, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, हाउसहोल्ड पर्पज़ के लिए स्पेशली, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लाफिंग बुद्धा हैं, एक्चुअली इनके पीछे एक स्टोरी है, बोलते खुद नहीं खरीदना चाहिए लाफिंग बुद्धा, आपको अगर कोई गिफ्ट करे तो ये आपके लिए बहुत ही लकी होते हैं। और अगर आपको इनकी ऐसी कुछ बातें पता है या कुछ स्टोरीज़ पता है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर मुझे पसंद आई तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज, ये देखिए, एक्चुअली मुझे गिफ्टेड है, ये मुझे अपने कॉलेज में मिला था, एक छोटा सा कॉम्पिटिशन था, एक्चुअली फेयरवेल राउंड था, तो उसमें मैंने ये विन किया था। एंड माय क्यूट, अब तक का मेरा सबसे ज़्यादा प्यारा और सबसे ज़्यादा क्यूट चीक, ये देखिए गाइस कितना ज़्यादा प्यारा है, और इसके ना ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट है, इतने अच्छे हैं। ये मैंने दो लिए थे, ये हम अपने कॉलेज ट्रिप पे गए थे अमृतसर, वहाँ से मैंने ये दो परचेज किए थे, एक मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और ये मैंने अभी तक संभाल के रखा है, मुझे नहीं पता बट मैं इसे कहाँ यूज़ करने वाली हूँ, बट अभी तक संभाल के रखा हुआ है, यूज़ ज़रूर करूँगी, बहुत क्यूट है। एक्चुअली मैं सच बताऊँ यार, मन ही नहीं करता यूज़ करने का, है ही इतना प्यारा, प्यारा मतलब क्यूट। एक्चुअली अगर मैं क्यूट वर्ड बार बार यूज़ कर रही हूँ, बट इस क्यूट की डेफिनेशन क्या है, मुझसे किसी ने पूछा एक्चुअली मैं क्यूट होता क्या, मैंने कहा सुंदर, तो उनका ये तो ब्यूटीफुल होता है, मैंने कहा प्यारा, उन्होंने कहा वो तो लवली होता है, मतलब क्यूट की क्या डेफिनेशन है। तो मुझे तो लगता है प्यारा, ब्यूटीफुल, लवली, स्मार्ट, जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है ना तब एक वर्ड बनता है क्यूट। आप लोग ज़रूर बताना कि एक्चुअली में क्यूट है क्या आपके लिए। सेम क्यूटिंग एक मेरे पास ये है, छोटू सा टेडी बियर, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये, जो आपको बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगने वाली है, आई थिंक बहुतों में से तो आपने इसे देखा भी नहीं होगा, वह मेरे क्यूट सा काला चाबी, सी गाइस कितना ज़्यादा क्यूट है। और ये एक्चुअली में वर्क करता है, इसकी चाबी मैं आपको दिखाऊं, सी कितनी छोटू सी चाबी है इसकी, और ये एक्चुअली में वर्क भी करता है, आप इसे बस यहाँ पर लगाओ और इस तरीके से ये आपका लॉक हो गया, ये देखिए ये लॉक हो गया, और यहाँ से आप ये करेंगे तो ये आपका ओपन हो गया, है ना क्यूट, और बहुत ही अच्छा भी, आप इसे ईजली अपने किसी भी छोटे सामान पे आप लगा सकते हैं और रख सकते हैं। नाउ एक्चुअली गाइस, ये एक परफ्यूम की बॉटल है, बट इसके पीछे एक स्टोरी है, मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया था बहुत टाइम पहले, अप्रॉक्स 6 or 7 months बैक, और मैंने परचेज क्यों किया था, इस परफ्यूम की वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ दिस बॉटल।
अगेन क्यूटनेस आ गई। ये बॉटल मुझे इतनी क्यूट लगी, इतनी प्रिटी है ना, कि मैंने सोचा इसे ले लेते हैं, परफ्यूम जैसा भी निकले देखा जाएगा, बट बॉटल तो मिल जाएगी। तो मैंने इसे लिया, बट इसका फ्रेगनेंस, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी। मतलब अब तक का मेरा जितने भी मैंने डियो परफ्यूम ये सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, बहुत अच्छी लगी मुझे फ्रेगनेंस। अगर मुझे इसके और भी वेरिएंट्स मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी। और ये है डेजिंग नियॉन, 10 ml की बॉटल है, और इसके अगर और भी वेरिएंट है तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी, और लिंक मिल गया तो आपको भी मैं ज़रूर दूंगी, और भी बाय करके देखना गाइस, आप रिग्रेट नहीं करोगे। इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दिस, ये क्या है, कटोरी है, ग्लास है, क्या है ये एक्चुअली? सी गाइस, ये सिमसिम जादू हमारा खुल गया, और यहाँ से आप इसे ऐसे ओपन कीजिए, अब तो आप समझ गए होंगे क्या है। ये है ग्लास, वाटर डालिए और पानी पी लीजिए। ये भी बहुत ही क्यूट है, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज किया था इस तरीके से। ये भी बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है एक्चुअली, मैंने अपनी डैड की कार के लिए लिया था, अभी तक मैंने वहाँ पे रखा नहीं है, बिकॉज ट्रैवल करते टाइम आपको अलग से बॉटल या फिर आपको अलग से ग्लास वगैरह नहीं कैरी करना पड़ेगा, अगर आपके पास ये चीज़ है, और काफ़ी छोटू सा है, कम स्पेस लेगा, पॉकेट फ्रेंडली, और ईजिली आप इसे अपने पास रख सकते हो, और इस तरीके से आपका लॉक भी हो जाएगा। हम करते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज़ पर, वो क्या है, वो मेरे पास है बहुत ही क्यूट सा लवली सा पेन, जो कि बहुत ही स्मार्ट भी लगता है और बहुत ही लग्जूरियस भी लगता है, और बहुत ही लग्जूरियस पैकेजिंग में भी आता है। ये देखिए, इसको अगर मैं ऐसे करके ओपन करूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रिटी सा पेन है। इसके पीछे ये रेड कलर की इस तरीके से ये डायमंड सा कुछ लगा हुआ है, जो भी है गोल्ड कलर का है, इसमें ब्लैक एंड ब्लू दोनों आपको रिफिल भी मिल जाती है, ये देखिए। और ये काफ़ी अच्छा है अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, और ये यहाँ से ऐसे करके ये आपका यहाँ से ओपन हो जाता है। और ये गाइज मुझे मिला था, एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन था कॉलेज में, तो उसमें मैं फर्स्ट आई थी, तो ये मुझे तब मिला था, और ये अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है एक पर्पज़ के लिए, से मैं यूज़ करूँगी, बट मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ इसे, ये आपको कुछ दिनों में ज़रूर पता लग जाएगा, सीक्रेट है, बट बहुत ही अच्छा सीक्रेट। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी यूजफुल थिंग, जो हर एक इंसान के पास होनी चाहिए, लड़का हो लड़की हो, बड़े हो बूढ़े हो, सबके पास होना चाहिए, क्या ग्लव्स? ग्लव्स की बात कर रही हूँ क्या मैं? नहीं है तो ये ग्लव्स, बट ये बाथिंग ग्लव्स हैं। यस गाइस, आपने सुना ही होगा आजकल बहुत सारे बॉडी स्क्रब टाइप्स के आ गए हैं, महंगे महंगे होते हैं, आपको वो लेना है, आपको अपनी बॉडी पे स्क्रब करना है, वो आपकी डेड सेल्स को रिमूव करेंगी, फलाना ढिंका, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। बट मैं कहती हूँ अगर आपके पास ये है ना, कोई ज़रूरत नहीं आपको कुछ और लेने की, आपको जस्ट क्या करना है, इनको इस तरीके से आपको वियर करना है, इस तरीके से दोनों हाथ पर आप पहन लीजिए। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, इस तरीके से, सी है ना, अच्छा। और आप ये काफ़ी स्क्रबिंग टाइप का है, आप अपनी बॉडी को ईजिली स्क्रब कर सकते हो, कोई भी स्क्रब यूज़ करके भी आप इसे स्क्रब कर लीजिए, या फिर सिंपल आप इसे गीला कर लीजिए और आप इसमें सोप लगा लीजिए, और आप उसे हल्का सा ऐसे रफ करेंगे, बहुत सारा झाग बन जाएगा। और आपको अपनी बाथिंग में बात करते टाइम आपको ऐसी चीज़ें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, इससे क्या होता है आपको अपनी बॉडी में कहीं भी आपको ब्लैकनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको कहीं अलग से कोई आपको स्क्रब वगैरह या फिर ऑयल या ऐसे जो क्रीम्स होती हैं वो भी आपको नहीं यूज़ करनी पड़ेंगी। काफ़ी हैंडी, काफ़ी अच्छा, आप इसे कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली भी है और काफ़ी यूज़फुल है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें आपको एक साथ ये 3 colors मिलते हैं, येलो, ब्लू एंड पिंक, मैंने अभी येलो निकाला हुआ है, और ये अगर आप ले लेते हो ना, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफ़ी टाइम तक आपका ये चल जाएगा, ट्राई ज़रूर करना, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आएगा तो मुझे बताना मत भूलना, ओके। सो गाइज, ये थी मेरी कुछ क्यूट वियर्ड यूज़फुल चीज़ें, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, जितने भी लिंक मिलेंगे वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूँगी, एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू वॉन्ट टू सी लाइक दिस मोर वीडियोज़, अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ देखनी है तो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल,
एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.